हेलो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज सेवन बी एंड हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द गिवन परसेंटेजेस एज डेसिमल्स तो यहाँ पर हमें क्या दिया है परसेंटेज के फॉर्म में दिया है और हमें इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है नाउ सी फर्स्ट थिंग यू शुड नो कि आपको क्या करना है परसेंटेज में दिया है और उसको हमें डेसिमल्स में लिखना है डेसिमल्स मतलब जिस नंबर में पॉइंट लगाओ जैसे फोर पॉइंट फाइव तो ये एक डेसिमल नंबर है जिसमें परसेंटेज का सिंबल लगा होता है वो परसेंट्स होते हैं तो डेसिमल्स को सॉरी परसेंटेज को हमें डेसिमल में लिखना है तो परसेंटेज क्या होता है परसेंटेज जैसे फोर परसेंट लिखा हुआ है तो फोर परसेंट को हम कन्वर्ट करेंगे फोर अपॉन हंड्रेड में इतना आपने सीख लिया है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो हम इसी तरह से करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और जितने भी ज़ीरो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग डेसिमल लगा देते हैं और फिर वो डेसिमल नंबर बन जाता है ओके okay? तो इस तरह से पूरा प्रोसेस है कि आपको कैसे सॉल्व करना है नाउ लेट्स सी फर्स्ट सी हेयर वी हैव ट्वेल्व परसेंट तो ट्वेल्व परसेंट क्या बन जाएगा ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड अपॉन हंड्रेड हो गया अब उसके बाद में हम क्या करेंगे बहुत सिंपल है आपको ये देखिए ये ट्वेल्व लिखा है आप यहाँ पर ट्वेल्व लिखिएगा दो जीरो है ना हंड्रेड में हमेशा हंड्रेड ही बनेगा क्योंकि परसेंट जो है वो हंड्रेड ही बनता है तो वन टू और यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिएगा उसके आगे ज़ीरो कभी भी नंबर के आगे पॉइंट लगता है तो फिर हम उसके आगे ज़ीरो लगा देते हैं अगर नंबर के बीच में पॉइंट लगेगा तो आपको वहाँ ज़ीरो लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है अब यहाँ पर ध्यान रखिए दो ज़ीरो हैं तो यही सेम टू सेम नंबर आप यहाँ लिखोगे और इस नंबर के बाद में डेसिमल जैसे ट्वेल्व में कहीं भी डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो ये डेसिमल कहाँ है इसके यहाँ पर है तो ये जो है दो प्लेसेस आ गया जाता है वन टू इसीलिए हमने दो नंबर्स के आगे पॉइंट लगा दिया इसी तरह से आपको करना है देखिए फोर्टी फाइव परसेंट फोर्टी फाइव अपॉन हंड्रेड लिख दिया ये फोर्टी फाइव यहाँ आ गया यहाँ डेसिमल नहीं है मतलब यहाँ है तो वन टू पॉइंट यहाँ आ गया और ये हो गया ज़ीरो ओके नाउ जैसे क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एटीन परसेंट क्वेश्चन नंबर सी है तो वन हंड्रेड एटीन अपॉन हंड्रेड यहाँ पर आ गया वन हंड्रेड एटीन यहाँ पर डेसिमल है वन टू हम यहाँ पर लगाएंगे देखिए यहाँ पर पॉइंट से पहले एक नंबर है तो हमने ज़ीरो नहीं लगाया यहाँ पर पॉइंट से पहले नंबर नहीं था तो हमें ज़ीरो लगाना ज़रूरी होता है देन वी हैव फाइव हंड्रेड फोर्टी फाइव परसेंट तो फाइव हंड्रेड फोर्टी फाइव अपॉन हंड्रेड ये हो जाएगा फाइव हंड्रेड फोर्टी फाइव वन टू और यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना तो आपका ये जो फ्रैक्शन सॉरी परसेंट है वो डेसिमल में कन नेक्स्ट वन इज़ हंड्रेड परसेंट तो हंड्रेड परसेंट को हम क्या करेंगे हंड्रेड अपॉन हंड्रेड ओके और ये हो जाएगा आपका अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर वही फॉर्मेट जो हमने आपको सिखाया वही करो वन टू और यहाँ पर आ गया पॉइंट वन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो कितना आया वन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो कभी भी होल नंबर के बाद में पॉइंट लगा हो होल नंबर हमारा यहाँ पर वन है पॉइंट लगा है पॉइंट के बाद जीरो जीरो लगा है इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वन है अगर आप इसको करके देखो हंड्रेड वन सा हंड्रेड हंड्रेड वन सा हंड्रेड तो यहाँ पर क्या आ गया वन डिनोमिनेटर में जीरो ज़ीरो बचा ही नहीं इसीलिए आंसर आ जाएगा वन और अगर आप इसको वन पॉइंट जीरो ज़ीरो भी लिखोगे तभी भी सेम है ओके okay. तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट देन वी हैव टू पॉइंट थ्री फाइव देखिए इस ये पहले से ही डेसीमल परसेंट बना हुआ है टू पॉइंट थ्री फाइव अपॉन हंड्रेड परसेंट क्या बन गया हंड्रेड अब देखिए ये टू पॉइंट थ्री फाइव हम यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाएंगे अभी यहाँ हमने लगा रखा था बट यहाँ नहीं लगाएंगे ओके okay? और डेसिमल की पोजिशन ये यह है यहाँ से ये टू प्लेस इधर जाएगा मतलब यहाँ था वन और टू दूसरा नंबर लाने के लिए हम यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे तो डेसिमल यहाँ था वन टू तो यहाँ पर पॉइंट आएगा और ये बनेगा आपका डेसिमल नंबर ठीक अब उसके बाद में देखिए वन हंड्रेड फिफ्टी अपॉन हंड्रेड तो ये है वन हंड्रेड फिफ्टी इसमें कहीं डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो हमने आपको बताया जब किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं लगा होता तो हम कहाँ मानते हैं वो उसके लास्ट में होता है तो फिर वन टू टू प्लेस आगे आएगा तो ये आपका बन गया डेसिमल नंबर देन टू हंड्रेड फिफ्टी अपॉन हंड्रेड टू हंड्रेड फिफ्टी लिखिए यहाँ पर वन टू यहाँ पर पॉइंट लगाइए जब डेसिमल नहीं होता तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कुछ भी नहीं है लास्ट में ये डायरेक्ट टू प्लेसेस आगे कर दीजिए उसी वन पॉइंट टू अपॉन हंड्रेड यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो अब देखिए जब आप यहाँ लिखते हो तो यहाँ पर तुरंत डेसिमल मत लगाइए पहले हम इसे टू प्लेसेस यहाँ पर है तो वन टू दूसरे प्लेस के लिए हमें यहाँ नंबर लाना पड़ेगा तो ज़ीरो आप ऑटोमेटिकली आराम से आगे से लिख सकते हैं उससे वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं आता है इसीलिए हम लोग ज़ीरो लिखते हैं नाव यहाँ है ना पॉइंट वन टू यहाँ पर आएगा और ये हो गया आपका नंबर डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया ठीक है नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर टू इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम दैट इज दीक्षा स्पेंड ट्वेल्व परसेंट ऑफ हर प्रॉकेट मनी ऑन हर नोटबुक्स एंड पेन्स इफ दीक्षा पॉकेट मनी इज़ रुपीज़ फाइव हंड्रेड वॉट इज़ द अमाउंट स्पेंड बाई हर ऑन नोट बुक्स एंड पेन्स तो दीक्षा ने क्या किया अपने पॉकेट मनी का ट्वेल्व परसेंट खर्च कर दिया है नोटबुक्स और पेन्स पे अगर दीक्षा की पॉकेट मनी फाइव हंड्रेड रुपीज़ है तो उसने कितना पैसा खर्च किया है तो क्या किया उसने देखो अगर आप समझो तो फाइव हंड्रेड का ट्वेल्व परसेंट खर्च किया है फाइव हंड्रेड का कितना खर्च किया ट्वेल्व परसेंट तो हमें क्या करना है फाइव हंड्रेड का ट्वेल्व परसेंट निकाल लेना है बस और वही उसका नोटबुक का स्पेंडिंग मनी है तो नाउ लेट सी सॉल्यूशन तो पॉकेट मनी ऑफ दीक्षा दीक्षा कितनी है पॉकेट मनी रुपीज फाइव हंड्रेड एंड परसेंट ऑफ मनी स्पेंट बाय हर कितना पैसा उसने खर्च किया है दैट इज़ ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट उसने खर्च कर दिया देन टोटल अमाउंट तो हम क्या करेंगे फाइव हंड्रेड का ट्वेल्व परसेंट निकालेंगे सिंपल फाइव हंड्रेड यू कैन राइट इट फर्स्ट ट्वेल्व परसेंट ऑफ फाइव हंड्रेड ठीक है हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे ट्वेल्व परसेंट ऑफ फाइव हंड्रेड ठीक है और इसको हम इसी तरह से निकालेंगे ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट मतलब ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड ऑफ होता है मल्टीप्लाई कर साइन और ये हो गया फाइव हंड्रेड अब इसको हम रिड्यूस करेंगे आप करिए ना हंड्रेड वन वनजा हंड्रेड हंड्रेड फाइव फाइव हंड्रेड कट गया ठीक है देन ट्वेल्व फाइव सिक्सटी तो इसका मतलब उसने कितना स्पेंड किया सिक्सटी रुपीज दस दीक्षा स्पेंट रुपीज सिक्सटी ऑन हर नोटबुक्स एंड पेन्स ओके क्वेश्चन नंबर थ्री फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ रुपीज़ वन ट्वेंटी वॉज गिवन टू आमिर हाउ मच मनी डिड आमिर गेट तो क्या है हमें यहाँ पर आमिर को वन ट्वेंटी रुपीज़ का फोर्टी फाइव परसेंट दिया गया तो ये बताना है हमें कि आमिर को कितना पैसा दिया है तो मतलब वन ट्वेंटी का हम फोर्टी फाइव परसेंट निकाल लेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है उसी तो तरह से टोटल अमाउंट है वन हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज परसेंट ऑफ मनी गिवेन टू आमिर तो आमिर तो को कितना पैसा दिया गया परसेंट के फॉर्म में दैट इज फोर्टी फाइव परसेंट तो हम निकालेंगे टोटल अमाउंट गिवन टू आमिर अमाउंट टोटल था वो तो दूसरा यह टोटल मनी गिवन टू आमिर आप यहाँ लिख सकते हो गिवन टू आमिर तो उसको कितना दिया गया तो हम कैसे निकालेंगे फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ वन ट्वेंटी यस तो सिंपल है फोर्टी फाइव अपॉन ये परसेंट जो है अपॉन हंड्रेड बन जाएगा ऑफ बन गया मल्टीप्लाई एंड वन ट्वेंटी अब इसको हम रिड्यूस करेंगे देखो आप जीरो से ज़ीरो कट गया ओके okay? देन फ़ाइव नाइन ज़ा फोटी फाइव फाइव टू ज़ा टेन ये दोनों फाइव से रिड्यूस हो रहे थे। फिर टू वन जा टू टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व तो नीचे तो वन आ गया तो पूरा रिड्यूस हो गया यहाँ बचा नाइन और सिक्स नाइन सिक्स ज़ा फिफ्टी फोर इसका मतलब आमिर को कितना रुपीज़ दिया गया अमाउंट फिफ्टी फ़ोर दस रुपीज़ फिफ्टी फोर वॉज़ गिवेन टू आमिर ओके क्वेश्चन नंबर फोर राहुल वॉन अ स्केटिंग चैम्पियनशिप एंड गॉड रुपीज सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एज कैश प्राइज ही सेव्ड सिक्सटी परसेंट ऑफ़ इट एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ इट फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मनी शी ही सेव्ड एंड दैट ही स्पेंड तो राहुल ने एक स्केटिंग चैम्पियनशिप जीती वॉन मतलब जीता स्केटिंग्स की चैंपियनशिप होती है उसमें पार्टिसिपेट लिया और ही वॉन इट उसने उसको जीत लिया फिर उसको कैश प्राइस के फॉर्मेट में पैसे के फॉर्मेट प्राइस मिला था वो है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड राहुल ने सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ जीते जिसमें से उसने सिक्सटी परसेंट रुपीज़ सेव कर लिया सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का सिक्सटी परसेंट बचा लिया स्पेंड द रेस्ट ऑफ इट बाकी जो बचा हुआ है उसको उसने खर्च कर दिया अब हमें अमाउंट बताना है जो उसने सेव किया है और जो उसने खर्च किया हमें दोनों ही अमाउंट बतानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे टोटल अमाउंट वन बाय राहुल ओके देन परसेंट ऑफ मनी सेव्ड बाय राहुल पहले हम इन्हीं दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे तो देखिए सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसको अमाउंट मिला था सिक्सटी परसेंट इसने सेव कर लिया तो हम पहले क्या करेंगे मनी सेव्ड बाय राहुल कि राहुल ने कितना मनी सेव किया है हम पहले ये निकालेंगे तो क्या करेंगे सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का सिक्सटी परसेंट निकाल लेंगे उतना देखो उसने सेव कितना किया सिक्सटी परसेंट किया तो सिक्सटी परसेंट सेव किसका किया सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का तो क्या अगर आप सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का सिक्सटी परसेंट निकाल लेंगे तो वही उसका सेविंग पैसा हो गया तो बस हमें क्या करना है सिक्सटी परसेंट ऑफ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड निकाल लेना है तो सिक्सटी परसेंट हम कैसे निकालेंगे सिक्सटी अपॉन हंड्रेड हो जाएगा ये फ्रैक्शन में आ गया परसेंट को फ्रैक्शन में लिख दिया ऑफ को मल्टीप्लाई में लिखा जाता है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब आप देखो इसको रिड्यूस करना बहुत ईजी है यहाँ से ये ज़ीरो कटा यहाँ से ये ज़ीरो कट नीचे वन मतलब नीचे पूरा रिड्यूस हो गया सिर्फ ऊपर ही ऊपर बचा है और वो भी क्या है सिक्सटी इंटू सेवेंटी फ़ाइव तो आप सिंपल है सिर्फ सिक्स से मल्टीप्लाई करिए सिक्स फाइव ज थर्टी सिक्स सेवन ज फोटी टू फोर्टी फ़ाइव हमने सिर्फ सिक्स से मल्टीप्लाई किया था और ये ज़ीरो भी बचा हुआ था ये ज़ीरो हमने यहाँ लगा दिया तो इसका मतलब रुपीज़ फ़ोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसने सेव कर लिया ठीक है तो फिर कितना खर्च किया देखो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड बचा लिया तो बाकी बचा हुआ तो खर्च किया तो हम कैसे निकालेंगे माइनस कर देंगे मनी स्पेंट बाय राहुल सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से माइनस कर देंगे फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड को और ये आंसर आ जाएगा जब आप माइनस करोगे ये आ जाएगा थ्री थाउजेंड इसका मतलब उसने थ्री थाउजेंड रुपीज़ खर्च कर दिया था और फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसने सेव कर लिया दस राहुल सेव्ड रुपीज़ फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड स्पेंट रुपीज़ थ्री थाउजेंड सो क्वेश्चन नंबर फाइव इज राधिका स्पेंड फोर्टी एट परसेंट ऑफ रुपीज़ फ़िफ्टी थाउजेंड टू बाय अ स्मार्टफोन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अर स्मार्टफोन तो क्या राधिका ने फोर्टी एट परसेंट खर्च किया है फ़िफ्टी थाउजेंड का एक स्मार्टफोन ख़रीदने के लिए तो स्मार्टफोन का प्राइस निकालना है तो देखो फोर्टी एट परसेंट स्पेंड किया मतलब फोर्टी एट परसेंट का ही स्मार्टफोन मिला है तो अगर हम फिफ्टी थाउजेंड का फोर्टी एट परसेंट निकाल लेंगे तो वही स्मार्टफोन का पैसा हो जाएगा तो बेसिकली हमें क्या करना है फिफ्टी थाउजेंड का फोर्टी एट परसेंट निकालना है टोटल अमाउंट है रुपीज फिफ्टी थाउजेंड एंड परसेंट ऑफ मनी स्पेंट बाय राधिका ओके दैट इज रुपीज फिफ्टी थाउजेंड और कितना मनी इसने स्पेंड किया है फोर्टी एट परसेंट कॉस्ट प्राइस ऑफ स्मार्टफोन हम क्या करेंगे फोर्टी एट परसेंट ऑफ फिफ्टी थाउजेंड निकाल देंगे ओके नाउ सी फोर्टी एट अपॉन हंड्रेड इंटू फिफ्टी थाउजेंड आप ये इक्वल साइन यही बनाइएगा ओके नाउ सी ज़ीरो ज़ीरो ये ज़ीरो जीरो okay. कट हो गया बस क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हम सिर्फ फाइव से करेंगे फाइव एट ज़ा फोर्टी फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर हो गया हमने फ़ाइव से मल्टीप्लाई किया था अब ये दो जीरो बचे हुए थे ये धीरे धीरे यहाँ लगा दिए तो मतलब ट्वेंटी फ़ोर थाउजेंड रुपीज़ का राधिका ने फ़ोन बाई किया है दस कॉस्ट प्राइस ऑफ स्मार्टफोन इज रुपीज़ ट्वेंटी फ़ोर थाउजेंड ओके